बात करते हैं सिद्धार्थनगर से आ रही एक बड़ी खबर की। अनियंत्रित ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। मुहाना थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बाइक सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस एक्सीडेंट में। उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। एटा में सड़क हादसे में विशाल नाम के लेखपाल की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड पर हुआ। तो इलाज के दौरान लेखपाल विशाल की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में लेखपाल की मौत हो गई। सुल्तानपुर के कुड़वार थाने में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और पहली जांच में थाना अध्यक्ष को दोषी पाया गया। इसके बाद एसपी ने थाना अध्यक्ष सहित पर थाना अध्यक्ष सहित सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही लाश का पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दे दिए। मामला परसीपुर गाँव से जुड़ा है, जहाँ के रहने वाले राकेश कोरी की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। राकेश पर गांव की एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप था। पुलिस ने हाल ही में उस नाबालिग लड़की को भी बरामद किया था, जिसके बाद से राजेश कोरी लॉकअप में बंद था। वहीं राजेश के घरवाले का जो आरोप है वो ये है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी जान गई। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी अरविंद पांडे, उपनिरीक्षक शस्त्राजीत प्रसाद, मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार सिंह और को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और पहरे पे तैनात होमगार्ड भोलेंद्र के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्राचार किया जा रहा है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह दुबौलिया ब्लॉक के अति संवेदनशील तटबंध कटरिया चांदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से चल रही परियोजना के कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार को बाढ़ से पहले सभी काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने निर्देश दिया कि सीसीटीवी की निगरानी में सभी काम पूरे करवाए जाएं, जिससे मुख्यमंत्री भी उनकी निगरानी कर सके। जल शक्ति मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ल, हरैया विधायक अजय सिंह, महादेवा विधायक रवि सोनकर और भाजपा जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला भी मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश के 42 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार आज़ाद भारत में और जब से उत्तर प्रदेश बना एक नई व्यवस्था उन्होंने देने का काम किया कि जो बाढ़ का पैसा अप्रैल और मई महीने में स्वीकृत किया जाता है उसको उन्होंने जनवरी में दिया, जिससे हम बाढ़ के कामों को सही समय पर पूरा कर सकें और जनता जनार्दन को उससे हम सुरक्षात्मक उपाय करके उनको राहत प्रदान कर सकें। मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, कोरोना के बावजूद भी पिछली बार बहुत अच्छा बाढ़ में काम हुआ था और इस बार भी जब सब लोग अपने अपने घरों में डर के मारे बैठे थे तो हमारी पूरी टीम लग करके बाढ़ बचाव के कार्य को बहुत तेजी के साथ किया है। उधर झांसी के थाना मऊ रानीपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए युवक के साथ पंप के कर्मचारियों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भराने के नाम पर रोहित पटेल नाम का युवक जल्दी कहने की बात पर अड़ा हुआ था और इस बात को ही लेकर कहा सुनी शुरू हुई। नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दौरान पेट्रोल पंप के 6 से 7 कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। चलिए अब रुक कर लेते हैं बुंदेलखंड की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। बांदा में डीएवी कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान 18 से 45 साल और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी अधिकारी कर्मचारी और शिक्षकों को वैक्सीन लगाई गई। डीएम आनंद कुमार सिंह ने फीता काटकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जालौन में गोदभराई के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। एक युवक खुलेआम तमंचे से फायरिंग कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र के निपनिया गांव का है। तो बुंदेलखंड की ये खबरें हमने आपको दिखाई, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नोएडा में कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करना महंगा पड़ गया।
जिला प्रशासन ने रचित घई नाम के आरोपी पर एनएसए लगा दिया। थाना सेक्टर 20 पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 21 अप्रैल को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रचित को गिरफ्तार किया था। लैब की जांच में आरोपी के पास से मिले हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। रचित जरूरतमंदों को 15 से 40 हजार रुपए में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचता था। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लुटेरों के पास से एक कार, तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ और भी दूसरा सामान बरामद किया है। पुलिस दादरी में ओमनीक्रोन सेक्टर के पास चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान जब पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो ये भागने लगे और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना प्राप्त हुई, सूचना के आधार पर यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। जब ये चेकिंग के बैरियर को देखे तो इन्होंने बैरियर को धक्का मारते हुए, बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी के पश्चात ये पुलिस पार्टी को आता देखकर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर की। पुलिस पार्टी में काउंटर एक्सचेंज में मोहम्मद असलम नामक एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागे। लगातार काउंटिंग की गई, 2 बदमाश और गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बागपत में भी गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास का है। पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और इसी बीच एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने हर्ष नाम के बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। इस पर 26,000 रुपए का इनाम घोषित था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके बेटे पर मुजफ्फरनगर के किनौनी गांव की एक महिला और उसके परिवार ने गंभीर आरोप लगाया। महिला सुशीला देवी का आरोप है कि उनकी 3 बीघा से ज्यादा जमीन रेलवे के अधिग्रहण में आ गई थी, लेकिन बिना किसी अनुमति के राकेश टिकैत और उनके बेटे ने उनकी फसल पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए उस पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे उनकी 3 बीघा फसल बर्बाद हो गई। वहीं जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई। पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। नोएडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 33 स्कूलों को नोटिस जारी करके गरीब और असहाय बच्चों की 25% सीट की संख्या कम करने पर जवाब मांगा। स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में इस साल कम सीटें दिखाकर गरीब बच्चों को कम दाखिला दिया और इसी को लेकर बीएसए ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव केस कम होते देख डीएम अजय शंकर पांडे ने व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और लोगों से अनलॉक को लेकर बातचीत की। इस दौरान सभी ने अपनी राय रखी। डीएम ने साफ संदेश दिया कि अनलॉक 2 में मास्क और 2 गज की दूरी का जरूर ध्यान रखा जाए। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के बाद शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज 50,000 के इनामी शराब माफिया विपिन यादव के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मकान कुलदीप विहार में। एटा के जलेसर थाने पर तैनात एसआई सुबोध कुमार ने ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने के मामले में फरार चल रहे पप्पू डॉन को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आरोपी ने फरार होने की कोशिश की। बदमाश ने एसआई को कई जगह काटकर घायल कर दिया। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया। आज से हाथरस में भी जिला अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हो रही है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सीएमएस ने व्यवस्थाओं को पूरा कराया जिससे मरीजों को कोई परेशानी न हो। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट के एक नेता का अपहरण कर लिया। इससे पहले दोनों गुटों के बीच थाने में भी मारपीट हुई थी। रामपुर में पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मृतक रिजवान के परिजनों ने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अलीनगर जानूबी का है। हापुड़ के पिलखुआ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बताया कि तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं।
अमरोहा में पेड़ पर तेंदुए का जोड़ा देखने के बाद ग्रामीणों में हलचल मच गई। तेंदुए का वीडियो ग्रामीणों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वन विभाग को उसकी सूचना दी गई। बाद में विभाग इन्हें पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाने की बात कह रहा है। आगरा में यमुना में पानी पर तैरने वाला पत्थर मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। यमुना में तैरते पत्थर को देखने के बाद लोगों में आस्था का सैलाब फूट पड़ा और लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई। तो पश्चिमी यूपी की ये खबरें थी, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का उधम सिंह नगर और हरिद्वार का दौरा। सीएम का कई विकास योजनाओं का यहां पर उनकी शुरुआत करेंगे, उनकी सौगात देंगे। शिलान्यास और लोकार्पण होगा। जिला अस्पताल रुद्रपुर, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। कोविड केयर सेंटर का भी सीएम निरीक्षण करेंगे। तो आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार के दौरे पर है सीएम तीरथ सिंह रावत। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, जिसमें जिला अस्पताल रुद्रपुर, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे, यहां की व्यवस्थाओं को जांचेंगे, इंतजामों का जायजा लेंगे। आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार जा रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिला अस्पताल रुद्रपुर, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार के दौरे पर हैं तीरथ सिंह रावत। कोरोना से इंतजामों का जायजा लेंगे, अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, ग्राउंड पर खुद उतरकर व्यवस्थाओं को मापेंगे, अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे, मरीजों से व्यवस्थाओं को परखेंगे कि क्या सभी सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर विकास हमारे संवाददाता रुद्रपुर से जुड़ गए। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, कितना अहम मुख्यमंत्री का यह दौरा है, क्योंकि कोरोना काल में मुख्यमंत्री जिले जिले का दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं। रुद्रपुर जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आएंगे तो वहां क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल कौशल, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का ये पहला दौरा होगा जो कोरोना काल में पहुंचेंगे, और रुद्रपुर टाइम में करने के बाद में मुख्यमंत्री सीधा ESIC जो हॉस्पिटल है जो कोविड सेंटर बनाया गया था वहाँ वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद में जो मेडिकल कॉलेज है रुद्रपुर का, उसको भी कोविड सेंटर बनाया गया था वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद में वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जिले भर के अधिकारी हैं, और इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो राजा स्वामी सत्संग भवन है वहाँ पर भी कोविड जो वैक्सीनेशन है उसका जो है निरीक्षण किया जाएगा। कौशल, चलिए तो बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोविड के इंतजामों का निरीक्षण करेंगे, अस्पताल में पहुंचकर खुद जायजा लेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। उधर उत्तराखंड में भी कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 589 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 31 मरीजों की मौत हुई है और बीते 24 घंटे में 3,354 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 22,530 एक्टिव केसेस हैं। जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में 46, बागेश्वर में 17, चमोली में 5, चंपावत में 2, देहरादून में 136, हरिद्वार में 104, नैनीताल में 75, तो पौड़ी में 12 मामले हैं, पिथौरागढ़ में 22, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 21, उधम सिंह नगर में 70 और उत्तरकाशी में 21 केसेस मिले हैं। तो जिलों के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां कितनी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कितने कोविड के नए मामले सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 18 दिवंगत पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 90 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दे दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने को मंजूरी दी है। इनमें कुछ पत्रकारों की मौत कोविड संक्रमण की वजह से हुई। तीरथ सिंह रावत ने यह फैसला पत्रकार कल्याण कोष के तहत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। बड़ी खबर देहरादून से। 5 जून तक प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की आशंका जताई है, जबकि मैदानी जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, देहरादून समेत कुछ जिलों में तेज बारिश की आशंका है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
अनुकृति गोसाई रावत हमेशा ही कठिन वक्त में उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं। इस बार अनुकृति ने कोरोना महामारी के चलते पहाड़ पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। अनुकृति का मानना है कि इस वक्त जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद की जाए, साथ ही लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, चाहे बात मास्क लगाने की हो या फिर सैनिटाइजेशन की। अनुकृति गोसाई ने बताया कि उनके निवास स्थान से 10,000 से ज्यादा राशन किट, सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटरी पैड और मेडिकल किट पूरे उत्तराखंड में बांटी गई है। शुरुआती दौर में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, लैंसडाउन और कोटद्वार में जिला प्रशासन, एनजीओ और युवाओं की मदद से राहत सामग्री बांटी जाएगी। आपको बता दें, अनुकृति गोसाई वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के पुत्रवध हुए। आज जैसे कि हम सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया है, और अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है हमारे पहाड़। आज महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान ने पहले चरण में रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, लांसडाउन और कोटद्वार के लिए राशन किट, मेडिकल किट यहां से तैयार की है और रवाना की है। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पहाड़ों में हम राहत किट पहुंचा पाएं। अहम खबर देहरादून से। शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में चौथे पायदान पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देश में चौथा स्थान मिला है। 2020 और 21 के तहत नीति आयोग ने एक सर्वे किया। सभी राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सर्वे किया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड को देश में चौथा स्थान मिला है। शिक्षा की क्वालिटी के मामले में, शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में नीति आयोग ने यह सर्वे किया था 2020 से 21 का। इस साल का यह सर्वे है और सभी राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को परखा गया था। अलग अलग मापदंडों पर नापा गया था शिक्षा की गुणवत्ता को, जिसमें उत्तराखंड को चौथा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी शुभकामनाएं दी हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल कॉलेज और ईएसआई अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के साथ ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। इस दौरान अजय भट्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आम लोगों के हित में काम कर रही है। चकराता में ऑफलाइन वैक्सीनेशन शुरू होगा। आज से चकराता सीएचसी में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए 100 लोग जिन्होंने पहले वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें आधार कार्ड साथ लाना जरूरी है। ऑफलाइन वैक्सीनेशन से पहाड़ों के युवाओं को राहत मिलेगी। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के 200 लीटर के लगने वाले प्लांट का भवन तैयार है, लेकिन अभी तक प्लांट नहीं लग पाया है। सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत का कहना है कि प्लांट 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। वहीं 2 और प्लांट सीएसआर की ओर से स्वीकृत है। रुद्रप्रयाग में प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। दरअसल कई दिनों से सोशल मीडिया पर रात में शराब की तस्करी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग और पुलिस ने शराब की दुकान का जायजा लिया। तो उत्तराखंड की ये खबरें थी जो हमने आपको फटाफट अंदाज में दिखाई। और चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार चारधाम को शुरू करने पर विचार कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलों के डीएम से बात की जा रही है। खत्म होगा बाबा के भक्तों का इंतजार। भक्तों को मिलेगा मां गंगे और यमुना का आशीर्वाद। बाबा विष्णु भी बरसाएंगे भक्तों पर कृपा। कोविड महामारी की वजह से चार धाम के दर्शन की सोच रहे भक्तों के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं को अभी चार धाम में पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही आम श्रद्धालुओं को चार धाम पर जाने की छूट दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि भाई आप लोग अपने क्वारंटीन सेंटर, आईसी यूनिट्स, वेंटिलेटर सब चीज को बता दीजिए, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई आदमी संक्रमित होता है तो कैसे उसका उपचार किया जाए, तो सारी व्यवस्था के साथ हम यात्रा को खोलेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि उससे रोजी रोटी जो है वो भी धीरे धीरे लोगों को मिलनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा टूरिज्म ब्रेड एंड बटर है।
और इसी पे सारा हमारा उत्तराखंड जो है टिका हुआ है। कोविड महामारी की वजह से इस बार चार धाम यात्रा पर रोक लगी है। सिर्फ तीर्थ पुरोहितों को ही मंदिरों में पूजा अर्चना की इजाजत है। उत्तराखंड के चार धाम देश भर के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। जाहिर है सरकार का ये फैसला चार धाम जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।